अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन जो है साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। अब साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होता है वो साइटोस्केलेटन का बना हुआ होता है। ठीक। साइटोस्केलेटन में एक प्रोटीन्स होते हैं जैसा कि ट्यूबुलिन्स। ठीक। इम्पोर्टेंट जो है प्रोटीन का फॉर्म है वो ट्यूबुलिन होता है, एक्टिन होता है और मायोसिन। ठीक। अब साइटोस्केलेटन जो है सेल को सपोर्ट करता है, ठीक, शेप देता है और स्ट्रक्चर देता है, और इसके अलावा सेल को स्ट्रेंथ देता है। यह स्पेशली जो इम्पोर्टेंट होता है इस एनिमल सेल के लिए क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक। अब साइटोप्लाज्म के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक। पहला होता है माइक्रो ट्यूबल्स, यह बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। ठीक है। ये होते हैं होलो सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक। इनका जो टोटल डायमीटर होता है वो होता है 25 नैनोमीटर। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सेल डिवीजन में, सेंट्रोसोल जब बनते हैं उनकी क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं मेटाफेज में, तो इनका काम जो मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन में होता है। इसके अलावा जो फ्लैजेल लाइफ बैक्टीरिया में, ठीक है, वो भी माइक्रो ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा ट्यूबुलिन सिलिया भी हैं। ठीक। अब चलते हैं माइक्रो फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? यह होता है थिनेस्ट फॉर्म ऑफ द लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं। ठीक है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि ओवरलैप होते हैं। देखें, ये एक ब्लैक है, ठीक है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। मैंने ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो एक्टिन का फॉर्म होता है। अब इनका काम क्या है? माइक्रोफिलामेंट का इम्पॉर्टेंट इनका काम होता है मसल कंट्रक्शन। हमारी जो बॉडी है मसल्स कंट्रक्शन हो रही है वो माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रही है। ठीक। इसके अलावा जो एमएबा है उसकी मूवमेंट किसकी वजह से होती है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। ठीक। यह हो गया माइक्रोफिलामेंट। इसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट। यह जो है इंटरमीडिएट होता है किसका? माइक्रोट्यूबल्स का और माइक्रोफिलामेंट का। ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। खुदा